की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर 2 अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट के बारे में। आज हमें वाउचर पेमेंट के बारे में पढ़ना है और यूजेज ऑफ बिल वाइज एंट्री इन सेल्स एंड रिसीव वाउचर, यानी कि जब सेल करेंगे तो भी बिल वाइज एंट्री करेंगे, बिल के द्वारा सेल करेंगे और बिल के द्वारा ही पैसा उनसे रिसीव करेंगे, इनके बारे में आज की क्लास में हमें पढ़ना है। तो अभी रिसेंटली जो लास्ट डे की क्लासेस में हमने पेमेंट परचेज किया हुआ है उसका एक पेमेंट रह गया था, है ना। LG08 वाला पेमेंट हो चुका था, LG012 वाला पेमेंट रह गया था, वो पेमेंट आज हम डन करेंगे। चलिए चलते हैं वाउचर में, कंपनी में और वाउचर में, और कौन सा वाउचर? पेमेंट वाउचर। मोड मैंने बोला, मोड आप चेंज भी कर सकते हैं या फिर इसी मोड पे भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट करना किसको? अकाउंट में ले लेंगे, कोटक महिंद्रा के द्वारा पेमेंट किया गया है कि कैश किया गया है? कोटक महिंद्रा। किसको पेमेंट करना है? एलजी इलेक्ट्रॉनिक को। इंटर करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस में बिल नंबर LG/012 ले लेंगे और 580 का बिल है और पेमेंट कर देंगे, बस हो गया। चेक नंबर दिया होगा, चेक नंबर डाल दीजिए, 10,002 2 1 40 है तो सर 10,002 कैसे हो सकता है? 1,02,000 होगा, ठीक है 1,00,000, 1,000 नहीं, सब ऊट पटा मेरे भाई, ठीक है बोले उनके सर अकाउंट ठीक लगे घुमाने, दूर बस हो गया, डन हो गया पेमेंट। माता रोज निवास आ अब हमें सेल्स वाले काम करने होंगे। आई थिंक नीचे आइए, हेडिंग क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है यूजेस ऑफ बिल वाइज एंट्री इन सेल्स एंड रिसीव वाउचर। एग्जाम्पल दिए हुए हैं और सबसे पहले सेल करना है हमें हरी इलेक्ट्रॉनिक को। किसको सेल करना है? हरी इलेक्ट्रॉनिक का। क्या हरी इलेक्ट्रॉनिक का नीचे डिटेल दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है, हरी इलेक्ट्रॉनिक। चलिए इसको बना लेते हैं, सबसे पहले एक लेजर बना लेते हैं फिर बाद में कोई काम करेंगे। क्रिएट में आ गए और लेजर में आ गए और क्रिएट कर लिया क्या? हरी इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा सेल कर रहे थे, ये हमारा कस्टमर है कि सप्लायर है? कस्टमर होगा, सप्लायर कैसे हो जाएगा? और डेप्टर ले लेंगे, और क्रेडिट पीरियड में कितना लेना है? 30 डेज लेना है, दिया है ना यहाँ पे 30 डेज लेना है, और चेक करना है ड्यूरिंग वाउचर में। हाँ यस कर देंगे इसको, हाँ चेक करता रहेगा। और इंटर करके पैन नंबर दिया है क्या इसका? नहीं नहीं दिया है, चलिए नहीं दिया तो एक्सेप्ट करेंगे, हो सकता है पहले वाले में दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आ जाएंगे वाउचर में और या फिर से सेल्स वाउचर में और सेल करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक को सेल करना है। और सेल्स अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? सेल्स अकाउंट। अंडर बुक क्या होगा? सेल्स अकाउंट ही होगा। और आइटम का नाम दिया हुआ है, आइटम का नाम क्या दिया हुआ है? अब थोड़ा ऊपर चलेंगे, ये ये दिया हुआ है LG 6 kg फ्रंट लोड ले लीजिए, 6 kg फ्रंट लोड, ठीक है। गोडाउन क्या दिया हुआ है? कितना कितना क्वांटिटी? 10। रेट? 40,000। इसके बाद क्या दिया हुआ है? LG टॉप लोड, गोडाउन गोरखपुर गोरखपुर, लोकेशन क्वांटिटी कितनी है? रेट 1 सेकंड, कैसे क्वांटिटी 10 है और रेट कितना है? 17। इंटर। अच्छा एक बार चेक कर लेंगे आप थोड़ा सा कि मैंने बताया था ना स्टॉक क्वेरी कर सकते हैं आप, क्या दबाएंगे यहाँ पे? अल्ट के साथ यस दबा देंगे, चेक हो जाएगा। कितने में खरीदे थे? 15,000 के रेट से खरीदे थे और किस रेट से बेच रहे हैं? 17,000 के रेट से बेच रहे हैं। अच्छा ऊपर वाला चेक कर लिया जाए, इस पे अल्ट यस दबाइए तो ये देखिए 35,000 के रेट से खरीदे थे और इस रेट से बेच रहे हैं, 40,000 के रेट से बेच रहे हैं, देख रहे हैं पता चल जा रहा है ना? ठीक है इंटर करेंगे, 570 हो रहा है, इंटर करा। अगेंस्ट रेफरेंस में रेफरेंस नंबर दिया हो, रेफरेंस नंबर 7 दिया हुआ, देखिए 7 दिया है, 7 डाल देंगे हम, 7 इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, बस हो गया, कर लेंगे ना इतना। अच्छा उसके बाद से क्या हो रहा है? तुरंत 1 जुलाई को क्या हो जा रहा है? रिसीव भी हो जा रहा था, हम लोग 1 मई को रिसीव कर लेंगे जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है, या 1 अप्रैल को भी कर लीजिए, डेट में बहुत ज्यादा उससे निकलने की जरूरत नहीं है।
570 रिसीव करना है, लेकिन देखिए इसमें कई लाइनें बातें कही गई हैं। मैंने एक बार पढ़ाया था आपको शायद ये बातें, और कहा भी था कि अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं किसी बैंक से, किसी पार्टिकुलर चेक से, तो किस बैंक का चेक है ये मैटर नहीं करता है, वो कहाँ जाके डिपॉजिट हो रहा है ये मैटर करता है। भले से SBI का चेक है, क्योंकि अगर डिपॉजिट हो रहा है कोटक पे, कोटक में, तो इफेक्ट किस बैंक पर पड़ेगा, कोटक पे ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ ऐसी बातें कही गई है कि हरी इलेक्ट्रॉनिक जो है पेमेंट कर रहा है आपको, दे रहा है मतलब रिसीव हो रहा है आपको, इनवॉइस नंबर 7 के द्वारा पेमेंट रिसीव हो रहा है किसके द्वारा, वीआ SBI चेक नंबर दिया हुआ है, और चेक कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक में। यानी यहाँ किस बैंक का जिक्र होगा, कोटक महिंद्रा का जिक्र होगा, बिकॉज किस बैंक का चेक है ये मैटर नहीं करता है, किस बैंक में डिपॉजिट हो रहा है उस बैंक पे इफेक्ट डालता है। चलिए तो यहाँ हम ले लेंगे F6 से रिसीव वाउचर, और देने वाला कौन है, देने वाला कौन है, हरी है। तो आप यहाँ यहाँ पे किस बैंक में आएगा, रिस्क मोड चेंज कर लीजिएगा, कंट्रोल यस से, कंट्रोल यस से डबल एंट्री मोड कर लीजिए। अच्छा देने वाला कौन है, हरी है, तो देने वाला क्रेडिट होगा, अगेंस्ट रेफरेंस बिल नंबर 7 के द्वारा 570 है, एंटर करेंगे। या सुन लीजिए, इसके करने से पहले, एक क्वेश्चन करने से पहले आप अल्ट जी दबा लीजिए, वरना बाद में फेगर अगर चेक कराने, और यहाँ से चेक कर लीजिए बिल रिसीवेबल, कल पेमेबल चेक कर रहे थे, आज क्या चेक करेंगे, क्योंकि अभी हमें हमें पाना है ना उससे, एक पेंडिंग बिल दिखाएगा हरी वाला, कितने का, 570 का, अल्ट F5 से डिटेल देख सकते हैं, ये दिखा रहा है, मतलब एक पेंडिंग बिल है, अभी तक पेमेंट हमने रिसीव नहीं किया है, जैसे पेमेंट रिसीव करेंगे, चलिए वाउचर में आइए, रिसीव कर लीजिए, देने वाला हरी है, अग्रेसिव 7 नंबर, और पैसा आ रहा है आपका कोटक महिंद्रा बैंक में, कोटक ले लिया और इंटर किया, और यहाँ चेक नंबर डाल दिया, चेक नंबर क्या दिया हुआ है, 2 लाख, हाँ वेरी गुड, 2 लाख 2, इंटर, और बैंक नेम में स्पेस बटन दबाएंगे, स्पेसिफाई बैंक नेम में आएंगे और डाल देंगे क्या, SBI, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब फिर से प्रेस करेंगे अल्ट जी बिल रिसीवेबल, देखिए इंटर करिए, कोई बिल दिखा रहा है यहाँ पे, नहीं दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि अभी इससे पहले दिखा रहा था लेकिन अभी नहीं दिखा रहा है, बिकॉज हमने वो पेंडिंग बिल जो था उसको क्या रिसीव कर लिया, क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया तो यहाँ से वो क्या हो जाएगा, उसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, मिट जाएगा। अगला है, फिर से सेल किया गया है हरी इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ इनवॉइस नंबर क्या डाला गया, 8 डाला गया, क्या डाला गया है, 8 डाला गया है, और यहाँ पार्टी का नाम भी हरी इलेक्ट्रॉनिक ही है, और यहाँ 8 KG की बात की गई है। तो वाउचर या फिर से सेल्स, पार्टी का नाम हरी, और यहाँ पे सेल्स अकाउंट, यहाँ पे ELG, 8 KG टॉप लोड है, फ्रंट लोड है, फ्रंट लोड है, गोडाउन बटौना क्वांटिटी 10, रेट 45,000। स्टॉक क्वेरी कर सकते हैं आप, बताना नहीं पड़ेगा, अल्ट एस दबा के चेक कर लेंगे आप, और ELG 8 KG टॉप लोड गोडाउन बटौना क्वांटिटी 10, रेट 20,000, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इनवॉइस नंबर यहाँ डालेंगे, 8 दिया है ना, ये डालेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट हो गया। अब फिर चेक करेंगे, फिर से बिल दिखाएगा, चेक करके दिखा दे, अल्ट जी बिल रिसीवेबल, यानी प्राप्त करना है जिसे हरी से, कितने का, 650 का, इनवॉइस नंबर 8 के द्वारा, रेफरेंस नंबर 8 के द्वारा हमें 650 रिसीव करना है हरी इलेक्ट्रॉनिक से, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इसका रिसीव नहीं दिया लग रहा है इसका, अब इसे समझाया वही चीज कह रहा है, इतना बड़ा करके समझाया है, देख रहे हैं ना, 570 यानी रिसीव किया ही नहीं है, क्वेश्चन को फिर रिपीट कर दिया क्या, उसी क्वेश्चन का यहाँ रिपीट किया होगा, ठीक है देख लीजिएगा, हाँ देख रहे ना, फिर से वो रिकॉर्ड कर दे, रिपीट, हाँ हाँ कोई बात नहीं, नहीं बाबू देखिए यहाँ चेक करके दिखाया ना, अभी हम चेक करके दिखाए हैं आपको, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना 650 वाला, देखिए तो नीचे पेज नंबर 65 पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये बैलेंस कहाँ दिखाएगा, आपके संडे डेप्टर में दिखाएगा, बैलेंस शीट में आइए और अल्ट F5 से
डिटेल और संडे डेप्टर में आपका बैलेंस दिखाएगा 6-5 हज़ार देखिए दिखा था ना ये स्क्रीन शॉट लगाया गया देखिए फिगर नंबर 2.20 में लगाया है देख सकते हैं आप लोग लगाया ना अब किसे रिसीव कहा है कह रहा है कि 570 रिसीव करी था 570 तो हम रिसीव कर ही चुके हैं इनवॉइस नंबर 7 से 570 अभी ना रिसीव किए हैं चेक के द्वारा एसबीआई चेक के द्वारा इसको करने की जरूरत नहीं है वो भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया है कोई दिक्कत नहीं है हो गया और कह रहा कि अब एक ही बिल दिखा रहा होगा 650 का सही दिखा रहा है सॉरी हाँ 650 वही तो कह रहा हूँ भाई 650 भी बोल सकते हैं भाई हो गया ऑब्जर्वेशन में दिया हुआ है इन द बिल रिसीवेबल रिपोर्ट यू विल ऑब्जर्व दैट द हरी इलेक्ट्रॉनिक विद द रेफरेंस नंबर 7 इज नॉट विजिबल आपने देखा है भी कि जब मैंने यहाँ पे शो कराया तो बिल नंबर जो था आपका 07 वो नहीं दिख रहा था अल्ट जी बिल रिसीवेबल आपका नहीं दिख रहा था कौन सा बिल नंबर 7 वाला नहीं दिख रहा था सिर्फ एक ही दिख रहा है 8 वाला क्यों क्योंकि बिल नंबर जो 7 था वो आपने क्लियर कर लिया है मतलब तो जिसे प्राप्त करना था उसे प्राप्त कर लिया है समझ आ गया मतलब अब क्या है यूजेज ऑफ बिल वाइज एंट्री पेमेंट रिसीप्ट वाउचर दोनों आप कर ही चुके हैं ऑल एडवांस पेमेंट और अब इसको एडवांस की बात आई थिंक आ रही है ऑल एडवांस पेमेंट रिसीप्ट विल बी कंसीडर्ड एज लायबिलिटी अगर आपने किसी से पैसा एडवांस ले लिया है तो वो आपके ऊपर क्या बनेगी लायबिलिटी बनेगी अगर मान लीजिए कोई सामान आपने मांग रहा है कि भैया आपको 4 मोबाइल चाहिए आपने कहा ठीक है 20,000 एडवांस दे दिए पहले तब आपको मंगाएंगे तो जो आपने उससे 20,000 एडवांस लिया है तो अब आपके ऊपर दायित्व बनता है तो आप उसको मोबाइल ला के दें या तो उसका 20,000 वापस करें है ना वही बात का है जब एडवांस पेमेंट आप रिसीव करेंगे वो क्या होगा आपका लायबिलिटी होगा और जो आप एडवांस पेमेंट देंगे उसका क्या होगा एसेट्स होगा मैंने बताया था ना इंग्लिश कि पुष्कर सर अगर हमें एडवांस सैलरी दे रहा है तो मेरे लिए लायबिलिटी है लेकिन उनके लिए एसेट्स है ना देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन और यहाँ पे एडवांस की बात की गई थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है यूजेज आप एडवांस रेफरेंस रिकॉर्डिंग एडवांस पेमेंट कैसे रिकॉर्ड करें देखो सामान नहीं खरीदा गया है पहले ही परचेज कर लिया गया है यानी 1 अप्रैल को हम लोग पेमेंट कर देंगे और 2 अप्रैल को हम परचेज करेंगे ठीक है कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा हम आए इसके पीछे वाउचर में आ गए और परचेज वाउचर में F9 से परचेज वाउचर और यहाँ लिख दिया इनवॉइस नंबर क्या दिया हुआ है LG एडवांस लिखा होगा आई थिंक LG स्लैश नहीं एडवांस नहीं है LG स्लैश है हाँ LG स्लैश LG स्लैश A अरे ADV स्लैश हाई इंटर इंटर पार्ट पेमेंट है ना पहले सॉरी पहले पेमेंट ना तो ये 5 से पेमेंट वाउचर डेबिट कौन होगा हरी इलेक्ट्रॉनिक नहीं हरी नहीं पार्टी का नाम क्या है हम नहीं होंगे ना पेमेंट क्या हो रहा है कर रहा है ना कौन डेबिट होगा हरी LG इलेक्ट्रॉनिक डेबिट होगा कौन होगा LG डेबिट होगा और यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस नहीं यहाँ क्या लेंगे अरे भाई आपने अगेंस्ट रेफरेंस देख ही लिया न्यू रेफरेंस देख ही लिया अब क्या बारी है एडवांस की इंटर करेंगे और यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे LG स्लैश ADV स्लैश 5 इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद क्या करेंगे अमाउंट डालेंगे कितना अमाउंट दिया 2 लाख है क्या 2 लाख रुपए भैया आया था क्या 2 लाख रुपए और किसके द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा ना कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा ना चेक तभी तो चेक नंबर दिया है बताइए चेक क्या दिया है 1,04,000 इंटर इंटर करके एक्सेप्ट 1 अप्रैल को हमने लिया पेमेंट किया है एडवांस और F9 से परचेज में आ जाएंगे और डेट क्या कर लेंगे चेंज कर लीजिएगा 2 कर लीजिए देखिए 2 हो गया कि नहीं हो गया 2 तारीख हो गया अब सप्लाई का इनवाइस नंबर क्या दिया है LG स्लैश 016 है 016 देख लीजिए आप दिया हुआ है LG स्लैश 016 ठीक है इंटर किया डेट आएगा पार्टी का नाम क्या रहेगा LG इलेक्ट्रॉनिक इंटर करेंगे और परचेज लेजर में क्या रहेगा परचेज अकाउंट होगा आइटम का नाम क्या है LG 6 KG फ्रंट लोड
वॉशिंग मशीन है। अच्छा गोडाउन क्या दिया हुआ है? गोरखपुर है। कितना? 10,000। एक 35,000। और दूसरा क्या है जी? टॉप लोड। बड़े फॉर्म में लग रहे हो आप। गोरखपुर क्वांटिटी कितनी है? रेट 15,000। दोनों हो गया कि नहीं? 5 लाख का। अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, इंटर जब करेंगे ना तो यही पूछेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है इसे? इसमें हमें एडजस्टमेंट करना है। 5 लाख रुपए का सामान खरीद रहे हैं लेकिन पहले ही कितना पेमेंट कर दिया है? 2 लाख। और 3 लाख रुपया तुम्हारा तब क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिएगा, हाँ हाँ यहाँ स्क्रीन शॉट में इसीलिए लगाया हो गया। यहाँ पे क्या लेंगे आप? एडवांस लेंगे। यहाँ क्या सिलेक्ट करेंगे? एडवांस सिलेक्ट करेंगे। एडवांस में कितना लाख रुपया होगा? 2 लाख रुपया एडजस्ट कर लेंगे। कितना लाख रुपया एडजस्ट करेंगे? 2 लाख रुपया। और बाकी न्यू रेफरेंस में LG स्लैश। और यहाँ पे इनवाइस नंबर क्या ले लेंगे एडवांस वाले में? या था क्या था? क्या था? क्या था? LG था। LG स्लैश ADV स्लैश 5 था। 2 लाख रुपया उसमें एडजस्ट हो गया और बाकी 3 लाख रुपया क्या हो जाएगा आपके पास? देखिएगा स्क्रीन शॉट लगाया क्या होगा। हाँ बाबू, अरे भाई 1 जुलाई को लिया गया है, 2 जुलाई को वो कर दे रहा है, 3 जुलाई को पेमेंट करना है, तो 2 ही दिन का क्रेडिट लिमिट दे रहा है ना इसीलिए। हाँ ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन शॉट लगाया गया होगा, ये देख रहे हैं ना। अगेंस्ट रेफरेंस पहले लेना है हम लोग, क्या लिए एडवांस लेनी है क्या? यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस लेना है ना, अगेंस्ट रेफरेंस और एडवांस वाला। ये देखिए एडवांस से 2 लाख रुपया दे रहा है। देखिए मैं क्वेश्चन दोबारा कर रहा हूँ, लेकिन 5 लाख रुपया था ना, इंटर किया जब यहाँ 5 लाख रुपया था, इंटर किया और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। पहले क्या लेंगे? अगेंस्ट रेफरेंस में आपको दिखा देगा कि LG एडवांस आपने पेमेंट कर दिया है पहले, कितना है आप रुपया? देखिए इनवाइस नंबर अपने आप डाला नहीं पड़ेगा आपसे, ऑटोमेटिक आएगा LG एडवांस 5 और 2 लाख रुपया दिखा रहे हैं। 2 लाख रुपया एडजस्ट हो गया, बाकी 3 लाख में क्या हो जाएगा? न्यू रेफरेंस में। अगेंस्ट रेफरेंस नहीं होगा, न्यू रेफरेंस होगा ना, कि बाकी भैया नया रेफरेंस में आ जाएगा। LG स्लैश 016 में चला जा रहा है, कितना लाख रुपया? 3 लाख रुपया क्रेडिट पे। तो देखिए यहाँ पे भी हो गया हमारा एंड, और क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। बस यही क्वेश्चन करना है, कर लेंगे नहीं कर लेंगे हो जाएगा इतना क्वेश्चन, रहने दिया जाए। आसान है, मजेदार है, कैसे हार्ड कह रहा हूँ।